अनलीच योर इम्यूनिटी के इस टिश्यू मेरिडियन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस 49th वीडियो में हम आपको स्किन डिजनरेशन वेसल यानी एसके मेरिडियन के बारे में बताएंगे। इसे हम हिंदी में चर्म अपजनन प्रवाह पथ कहते हैं। इसमें 7 पॉइंट्स हैं एंड दे आर बायलेटरल यानी दोनों पैरों में होते हैं। लोकेशन देखें एसके मेरिडियन का, इट डील्स विद ऑल द स्किन प्रॉब्लम्स। इसका लोकेशन देखें तो पैर के थर्ड टो में नाखून के पास फेबुलर साइड में मींस आउटसाइड फेबुलर साइड में स्टार्ट होता है और इसमें डोर्सम ऑफ द फुट में ये लास्ट पॉइंट है। इसका दोनों पैरों में है। स्पेशलिटी ये है कि ये इट ट्रीट्स स्किन्स ऑफ होल बॉडी। उसके बाद इट स्किल्स स्कार्स जो उतने भी होते हैं घाव के निशान होंगे ऑन स्किन पूरी बॉडी में कहीं भी होगा कहीं स्कार्स होंगे। स्कार होने का मतलब ये होता है फोकस ऑफ डिस्टरबेंस को फोकाई कहते हैं यानी इसके अंदर कई बार ऑर्गन से में कुछ प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है स्कार्स हो सकते हैं। उसके बाद है यू हैव टू सी द लोकेशन ऑफ द स्कार एंड द मेरिडियन पासिंग बाय। उस मेरिडियन देखे तो उसके पास में जो ऑर्गन होगा उसमें हो सकता है अफेक्टेड हो। व्हेन स्कार को ट्रीटमेंट करना इसको मॉइस्ट करेंगे पहले एंड देन वी विल बी ट्रीटिंग इट। उसके बाद ये है कि इसमें चर्म या घाव जो होता है इसके निशान कोई भी हो उसका उपचार इस मेरिडियन में किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले ये सर्जिकल स्कार टाइप ऑफ स्कार देखते हैं। सर्जिकल स्कार होता है स्कार होता है यानी टांके के निशान होते हैं उसमें हमको मसाज करेंगे तो उससे हमको फायदा मिलेगा और मसाज करके हम लोग अगर मेथी पट्टी भी लगाते हैं देन ऑल्सो वी विल गेट क्वाइट रिलीफ और धीरे धीरे करके कलर जो स्किन का डिसकलरेशन हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा धीरे धीरे करके देन इट विल बिकम नॉर्मल। उसके बाद ये है स्केच मार्क्स होते हैं स्ट्रेच मार्क्स होते हैं आफ्टर डिलीवरी डिलीवरी होते हैं या चाइल्ड बर्थ होता है उसमें भी निशान जो है आपके एब्डोमेन में या पल्विस रीजन में निशान पड़ जाते हैं उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। वी हैव टू गिव ट्रीटमेंट रिमेंबर बोथ द फुट्स दोनों पैरों में देंगे उससे हमको फायदा होगा। बोथ द फुट्स में ट्रीटमेंट दीजिए उसमें आप मैग्नेट्स भी लगा सकते हैं और मेथी स्ट्रिप भी लगा सकते हैं मेथी पॉइंट्स भी लगा सकते हैं दैट विल गिव यू अगेन रिलीफ। उसके बाद होता है कई बार एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्किन एलर्जी। लॉट ऑफ टाइम स्किन एलर्जी कम्स देन वी हैव टू ट्रीट एलर्जी मेरिडियन एज वेल एज स्किन मेरिडियन बोथ ऑफ देम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और एलर्जी कई बार इनसाइड होती है कई बार आउटसाइड होती है तो वी हैव टू सी द एलर्जी ये देखना है कि अंदर से है या बाहर से है। तो इस अगर वो अंदर से होगी तो इट मे बी ड्यू टू सम मेडिसिन सम अफेक्ट इनसाइड अगर आउटसाइड होगी तो इसके लिए अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा यानी ट्रीटमेंट ऑफ स्कार्स के लिए जो मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं उनको बता दें। स्कार्स के ट्रीटमेंट यानी घाव का निशान कई बार होता है कई बार जल गया है उसकी वजह से होता है कई बार रैशेज हो जाते हैं कई बार छोटे छोटे पिंपल जैसे हो जाते हैं उन सब के लिए ये बढ़िया है SK1A। SK1 में रिमेंबर वन थिंग लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी इज वन मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी इज टू एंड हेड रीजन इज थ्री। मोटा मोटा इन ऑल टिश्यू मेरिडियन इट होल्ड्स गुड तो SK1A होगा इट विल इंडिकेट स्कार ऑन फोकाई इन फोकल ऑफ डिस्टर्बेंस जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके लिए SK1 treats scar in the lower portion of the body that includes lower extremities यानी पैर में भी कहीं पर हो रहा है उसके लिए इंडिकेट करेगा। SK2 है it is the middle part of the body that includes upper hand hands neck उसके बाद chest back of back upper back that also include that one उसके अलावा गर्दन में या गले में भी अगर कुछ हो रहा है उसके लिए भी SK2 में हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। SK3 में इट इज द हेड रीजन। हेड रीजन में कोई भी अगर ब्रेन में हो रहा है फेस में है स्कल में है अगर बाल अंदर के स्किन में बालों के स्किन में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है
उसके लिए मतलब कह रहे हैं, मतलब ये कि डीजनरेशन कहीं भी हो रहा है, देन वी हैव टू गिव ट्रीटमेंट इन दिस डीजनरेशन. लॉट ऑफ टाइम कलर द स्किन चेंज, देन ऑल्सो शरीर में कई दाने हो जाते हैं, स्किन में कई बार दाग धब्बे हो जाते हैं, फुंसी है, अंधेरी है, या शरीर में दाने पड़ रहे हैं, उसके लिए सारे केसेस के लिए इफ वी गिव अ ट्रीटमेंट इन दिस एसके मेरिडियन. कई बार हमारे बॉडी में लाइंस पड़ जाती हैं, एब्डोमेन रीजन में या कई और जगह में लाइंस पड़ जाती हैं, वो लाइन गहरी हो जाती हैं या सलवटें पड़ जाती हैं, इन दैट केस ऑल्सो ट्रीटमेंट कैन बी गिवन इन दिस मेरिडियन. उसके अलावा अगर स्किन के हेयर्स में अगर रोग हो गया है, हेयर्स में रोग हो गया है, डैंड्रफ हो रहा है, सलवटे पर और कोई प्रॉब्लम हो रही है स्किन की, कई बार क्या है ड्राई स्किन हो जाती है, वेट स्किन हो जाती है, उन सारे केस के लिए यानी हेयर के लिए भी जब ट्रीटमेंट करेंगे इट विल गिव अ गुड इफेक्ट. उसके बाद स्किन में कई बार क्या होता है, ड्राई स्किन हो गई, बहुत ज्यादा सूखन आ जाता होता है, अति सूक्ष्मपन या गीलापन हो जाता है, मतलब वेट स्किन होती है, या कई बार सड़न सी हो जाती है स्किन में, दैट आल्सो वी हैव टू ट्रीट हियर ओनली. इफ देयर इज स्कार्स इन द बॉडी, यानी या रुके सूखे बाल हो जाए, उस केस में भी हम देखेंगे कि हम अगर एसके मेरिडियन में ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे हमको काफी फायदा होगा. लेट अस नाउ कम टू द पॉइंट, यानी पॉइंट वाइज डिस्कशन कैसे होगा, वी हैव टू सी दैट. पॉइंट वाइज डिस्कशन, लोकेशन हम देखें, लोकेशन देखने के लिए क्या है, हमें पहले SK1 पहले देख लें ये मेरेडियन है कहां पर. मेरेडियन देखने के लिए इट इज ऑन द थर्ड टो, मैंने बताया था आपको थर्ड टो में है, ये देखिए ये थर्ड टो में है, पैरों की तरफ ये थर्ड टो में है, और ये आउटसाइड है, यानी छोटी उंगली की तरफ ये पॉइंट्स है. इट स्टार्ट फ्रॉम दिस नियर द नेल एंड उसके बाद ये आके सेवंथ पॉइंट, यहाँ पर सेवंथ पॉइंट यहाँ है. ये मोस्टली जॉइंट्स के पहले या जॉइंट्स के बाद में है. इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल टिश्यू मेरेडियंस आर नॉट ऑन जॉइंट्स, दे आर बिफोर द जॉइंट आफ्टर द जॉइंट. यानी पहली दूसरी में दो दो वो हैं पॉइंट्स हैं, तीसरी में एक है और चौथी में दो बोल दो पॉइंट्स हैं. ये पॉइंट्स हैं, हमें इसमें देख लीजिए ये पॉइंट. अब नाउ वी आर स्टार्टिंग पॉइंट वाइज, यानी फर्स्ट पॉइंट हियर SK1. SK1 इज ऑन द थर्ड टो आउटर साइड यानी फेमुलर साइड में होगा, फर्स्ट बोन में, वेरी फर्स्ट बोन, एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. इसमें क्या स्किन डिजनरेशन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, यानी लोअर बैक में हो जाए, स्किन ऑफ द सीट में हो जाए, और या स्किन ऑफ एब्डोमन में है, या पल्विस रीजन में है, उले में है, या बैठने की जगह में अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, और स्किन ऑफ लेग्स, यानी कई कई बार उसमें जलने के निशान, कटे फटे के निशान, या डिस्कवरेशन ऑफ स्किन हो रहा है, उसके लिए ट्रीटमेंट इस समय SK1 में दे सकते हैं. देन SK11, इट इज अ थर्ड टो ऑन फर्स्ट बोन एंड सेकेंड पॉइंट में है. ये पहले कई बार क्या होता है, हमारे शरीर में कई बार एक्ने हो जाते हैं, फिर स्कार्स होते हैं, तो हम लोग इन पॉइंट में इसके मेरिडियन में ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे हमको फायदा होता है, मार्क्स हल्के हो जाते हैं. और उसके बाद ये स्किन मेरिडियन में, क्योंकि ये लिम्फ मेरिडियन है, SK11 इट ट्रीट्स लिम्फ वेसल मेरिडियन, डिजनरेशन ऑफ लिम्फ वेसल, तो ट्रीटमेंट ऑफ, यानी समझिए इसमें ट्रीटमेंट करने से बॉयल्स हो, फोड़े हो, फुंसी हो, उन सब का उपचार ट्रीटमेंट किया जा सकता है. थर्ड पॉइंट इज SK12. SK12 इज अ थर्ड टो, सेकेंड बोन एंड फर्स्ट पॉइंट. इसमें एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द स्किन होता है, यानी कोई भी एलर्जी की वजह से अगर स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी के कारण कोई भी चर्म रोग हो रहा है, स्किन में रिएक्शन हो रहा है, या बाल झड़ रहे हैं, या बाल में, हमें दोनों मेरिडियन को ट्रीट करना होगा, एसके मेरिडियन को भी टोन करना होगा, और हमें AD मेरिडियन, एलर्जी डीजनरेशन मेरिडियन को हमें सेडेट करना होगा. यानी बॉडी में अगर स्कार हो रहे हैं कहीं पर भी, उसे दूर करने के लिए, पर्टिकुलरली लोअर रीजन में करने के लिए, हमें इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट देंगे तो उससे अच्छा रहेगा. रिमेंबर एसके मेरेडियन में सब जगह टोन करना है. SK13, इट इज CMP, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, इट कंट्रोल्स, इट मेजर्स एंड क्योर्स लॉट ऑफ डिजीजेस. तो SK13 में जो है, इसमें होल ऑफ द स्किन ऑफ द बॉडी, कहीं पर भी डिस्कलरेशन या समस्या हो रही है, यू कैन गो एंड ट्रीट दैट
उससे पूरी बॉडी में फर्क पड़ेगा। एनी स्किन डिजीज या किसी भी प्रकार का चर्म रोग हमारे शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक कहीं भी होगा तो उससे हमको फर्क पड़ेगा। उसके अलावा आएगा SK1A। SK1A इज अ थर्ड टो ऑन अ थर्ड बोन, यानी ये भी MP है, मेजरमेंट पॉइंट है, और ये स्कार्स जो भी होते हैं ड्यू टू इंजरी, सर्जिकल ऑपरेशन, इंजरी, स्केच मार्क्स ऑफ एब्डोमेन एंड पल्विस रीजन, आफ्टर डिलीवरी के जितने निशान होते हैं वो सारे, यानी कोई घाव हो जाए, ऑपरेशन हो जाए या प्रसव हो जाए, पेट में या पेड़ों में कई बार धारियां बन जाती हैं, निशान बढ़ जाते हैं, उन सब का उपचार हम इससे कर सकते हैं और इससे हमको धीरे धीरे करके ये जो निशान पड़े हैं ये कम होते जाएंगे, कट जाएंगे। अब जाएं SK2। SK2 में ये थर्ड टो में फोर्थ बोन में, SK2 इसमें फोर्थ बोन में ये पहला वाला पॉइंट है, SK2 ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ये ऊपर आ गया। अब आप बोलते पहले अंदर की तरफ थे, अब ऊपर आ गया ये, तो इसलिए हम इसे SK, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट हेड, जिस पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है उसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कोई भी स्कार हो जाए या डिजनरेशन ऑफ स्किन हो रहा है कहीं पर भी, उसके लिए इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट देंगे, इट विल गिव अ गुड रिजल्ट्स। दैट इंक्लूड्स द स्किन ऑफ आर्म्स एंड हैंड, उसके बाद स्किन ऑफ नेक भी आ जाएगा, इसमें स्किन ऑफ नेक आएगा, स्किन ऑफ चेस्ट आ जाएगा, या स्किन ऑफ अपर बैक भी आ रहा है, उसमें सब में ट्रीटमेंट इससे दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। उसके बाद आता है SK3, दैट इज द लास्ट पॉइंट एंड सेवन पॉइंट। SK3 जो है इट इज ऑन द थर्ड टो ऑन फोर्थ बोन, इसमें क्या है, ये सेकंड पॉइंट है उसका, स्किन ऑफ हेड, ये भी स्किन होता है यहाँ का, स्किन ऑफ हेड, स्कल, फेस और जो बैक बैक ऑफ हेड है, इन सारे केस के लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि ये फेस के स्किन को भी करता है, हेयर्स में के अंदर जो स्किन है जहां से हेयर्स हो रहे हैं उनमें भी इंक्लूड करता है, और ये हमारे हेड रीजन को कवर करता है, यानी स्किन ऑफ फुल बॉडी कवरिंग, इसको बोलते हैं आकाश, आकाश को कवरिंग के लिए ये बहुत, आकाश से कवरिंग, जैसे हमारी बॉडी की बिगेस्ट ऑर्गन इज स्किन, स्किन जो है सबसे ज्यादा है, और ये हमारे अलग अलग ऑर्गन का पार्ट स्किन भी आकाश में आता है, तो ये जो है, जैसे इसमें अगर हमारे पेट का है, आकाश जो होता है पेट का हुआ, यूट्रस का है, लंग्स का है, हार्ट का है, ये भी स्किन कवर होते हैं, उसको भी आकाश कहते हैं, ये उसमें भी अगर कोई समस्या आती है तो इस ट्रीटमेंट इससे किया जा सकता है, यानी एलर्जी, कोई भी एलर्जी हो, कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, इन एडिशन टू वट एवर पॉइंट्स वी आर हम जो लगा रहे हैं वो पॉइंट, उसके साथ साथ हमें लेफ्ट मिडिल फिंगर में हमें पी जॉइंट में, पित्त जॉइंट में, इस पॉइंट में अगर हम मेथी पट्टी लगाएंगे तो वी विल गेट गुड रिजल्ट, वेरी गुड रिजल्ट्स। उसके अलावा कोई भी स्किन प्रॉब्लम होने के लिए हमें अगर राइट स्मॉल फिंगर पी जॉइंट में भी अगर हम लोग मेथी पट्टी लगा देंगे, चारों तरफ मेथी पट्टी लगा देंगे तो उससे भी हमको फायदा होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कहीं भी आप मेथी यूज कर सकते हैं, मैग्नेट यूज कर सकते हैं, स्टार मैग्नेट यूज कर सकते हैं और सीड्स भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास जो सुजोक रिंग है, सुजोक रिंग को आप एक्सटेंसिवली यूज करेंगे तो उससे भी आपको फायदा होगा, काफी फायदा होगा, और उससे रिंग से वो हमारे पॉइंट्स जो हैं वो काफी दबेंगे और अच्छा लगेगा। इसके अलावा यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ, ये है हैंचू है, उसमें भी आप दबाएंगे, उस पॉइंट पे लगाते हैं कहीं पर भी जहां पर लगा रहे हैं पॉइंट, उसमें भी ये दबाएंगे, इससे भी आपको काफी फायदा होगा। इसके अलावा ये है, देखिए स्पेशल जो स्पेशल नोट्स इसमें ये हैं कि अगर हमें स्केच मार्क कहीं भी हो गया आफ्टर डिलीवरी तो हमें SK1 लगाना है, SK11 लगाना है, SK13, उसके अलावा SK1A, इन सभी पॉइंट्स को हमको टोन करना है, वी टोन इट। इसके अलावा अगर हमने एड अप करेंगे साथ में SP4 या PN4 को, इसे हमें सेडेट करना है,
प्लस एलर्जी को AD3 को हम लोग सेडेट करेंगे तो हमको काफी अच्छा फायदा होगा अगर हम लोग मिस करेंगे। अगर डीप रिलेशन हो रहा है एलर्जी और स्किन डिजनरेशन के बीच में अगर समस्या हो रही है, मतलब कोई समस्या हो रही है, उसके लिए हमें एलर्जी को भी ट्रीट करना होगा। और कोशिश करें कि लेट अस फाइंड आउट द कॉज ऑफ एलर्जी, एलर्जी का कॉज क्या है। इसका इंटरनल कॉज भी हो सकता है एलर्जी का, एक्सटर्नल कॉज भी हो सकता है। तो कॉज ऑफ एनर्जी देखेंगे इनसाइड है या आउटसाइड है। अगर ये आउटसाइड है एलर्जी का कारण, तो हमें उसमें सोप यूज करें। देखिए सोप पे ध्यान रखिए, आउटसाइड में सोप में शैम्पू में या लोशन कोई आप यूज कर रहे हैं या हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं या टर्निंग टोस यूज कर रहे हैं, इन सब से एलर्जी हो सकती है। या कोई पर्टिकुलर चीज यूज करने से आपकी एलर्जी बढ़ जाती है, देन यू हैव टू बी कॉशियस। उसके अलावा एसके मेरिडियन 1-2 में अगर हमने करेंगे तो पूरी बॉडी की एलर्जी में इससे फायदा होता है, एलर्जी दूर करने में फायदा होता है। और हमें ट्रीट करना है इन एडिशन टू एसके मेरिडियन, हमें AD1B करना है, क्योंकि 1B एलर्जी मेरिडियन का CMP है। हम इनको यूज करेंगे तो हमें एलर्जी में बहुत सारा फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर नया मेरिडियन लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।